प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें वो ना सिर्फ मजहब के ठेकेदार हो बल्कि ये जो शांति दूत हैं, जो लैंड माफिया बन के बैठे हैं, इनको भी एक्सपोज करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी अभी जैसे ये भोजशाला वाले मामले में अब्दुल समद है जो कि हिस्टोरियन है, शायद वो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं देगा तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। मतलब आप सोचिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये देश से बाहर जाकर इस बात को मनवाएंगे और भारत सुनेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात सुनेगा? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अब्दुल समद वो हैं जिन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था अंबेडकर जी की बहुत सारी किताबों पर। अंबेडकर जी की एक 12 सीरीज की बहुत सारी किताब है, जिसमें से 6th एडिशन को 5 इस्लामिक जो जिहादी मुस्लिम शिक्षा मंत्री बने थे कांग्रेस के जमाने में, उन्होंने 6th एडिशन को गायब कर दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने चिंता वाली बात जताई थी मुसलमान माइनॉरिटीज को लेकर के, कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू विरोधी विरोध बनकर के खड़ी हो। उस बुक को अगर आपको पढ़ना हो तो मैं मुझे बोलिएगा, मेरे पास उसका ओरिजिनल एडिशन है, मैं वो भेज दूंगी। अब्दुल समद ने बहुत सारे चैप्टर्स जो हमारे शिवाजी महाराज का था, हमारे राजा राम मोहन रे का था, हमारे जो वीरों का था, उनका इन्होंने साइड करवाया है। अब्दुल समद को हल्के में मत लीजिएगा, इनके ऊपर कांग्रेस का बहुत खूबसूरत हाथ है, इनके ऊपर कांग्रेस का दया दृष्टि बहुत ज्यादा है अब्दुल समद जी के ऊपर। अब्दुल समद जी बैठे बैठे फुलझड़ी छोड़ते हैं और इंडिया अलायंस अब इनका सपोर्ट करेगा, पहले सिर्फ कांग्रेस सपोर्ट करता था। लेकिन मैं तो चाहती हूं अंजू जी कि अब्दुल समद साहब, डायरेक्ट बोल रही हूं मैं, काइंडली आप इंटरनेशनल कोर्ट लेकर के, आप इस मामले को लेकर के, भोजशाला वाले मामले को लेकर के आप जाइए, क्योंकि आप आगाज कीजिए, बिस्मिल्ला कीजिए, बरकतल्ला नाज़िया अली खान कर देगी। और जितना नंगा नाच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, वो सारे मामले फिर इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। और जब सर्वोच्च न्यायपालिका पूछेगा सरकार से कि ये इंटरनेशनल कोर्ट क्यों दौड़ रहे हैं, तो सरकार को और हमें जवाब, हम जाकर के जवाब देंगे सर्वोच्च न्यायपालिका को कि आप हर मामले में तो सुओ मोटो एक्शन लेते हैं, पर इनकी जुबान बंद कराने के लिए सुओ मोटो नहीं लेते, इनके कदम बढ़े हैं इंटरनेशनल कोर्ट के लिए, सरकार के और हमारे कदम नहीं बढ़े हैं इंटरनेशनल कोर्ट पे। देखिए ये बात साफ है कि मुसलमान की 18 करोड़ की आबादी जो भारत में रहती है, भारत का खाती है, भारत का पहनती है और भारत के सेना की वजह से सुकून से रहती है, भारत के किसानों की वजह से अनाज खाती है और भारत की सरकार की वजह से उनकी योजनाओं का लाभ उठाती है और पुरसुकून अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से यहाँ पर हुड़दंग मचाती है, पर संविधान नहीं मानती है। ये बात अब खुल करके सामने आ चुकी है और अब केंद्र की सरकार को निर्णय लेना होगा, बल्कि मैं तो कहती हूं कि केंद्र की सरकार से पहले सर्वोच्च न्यायपालिका को निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि अब्दुल समद साहब ने कहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, तो ज़ोमोटो एक्शन ले सर्वोच्च न्यायपालिका, किसने रोक करके रखा है? हाथ तो किसी ने पकड़ के रखा नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और दूसरा, ये समझ में नहीं आता है, ये जो सहूलियत वाला शरिया है और संविधान है, जब इनको लगता है कि इनके हिसाब से सब चल रहा है तो ये संविधान की जय करते हैं, जब इनको लगता है कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है तो ये शरिया की तरफ चल पड़ते हैं। अभी आप ये भी तो देखो ना कि कल का ही मामला कि किस तरीके की नारेबाजी मुहर्रम के नाम पर अमेठी में हो रही थी। अमेठी में तो अब कांग्रेस के सांसद है, तो आप देखिए किस तरह की नारेबाजी हो रही थी। तो आप सही कह रही हैं कि संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे और जहां पर ये रहते हैं उन्हीं के खिलाफ, वो कहते हैं जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। देखिए अंजू जी, मैं फिर से आपको बताऊंगी कि जिस हिसाब से पाकिस्तान कभी भी भारत से मोहब्बत नहीं कर सकता, उसी तरीके से
कांग्रेस के समर्थक और मुसलमान, में दोनों को जोड़ रही हूँ, मैं हिंदुओं को छोड़ नहीं रही, कांग्रेस के समर्थक और मुसलमान कभी भी भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए अमेठी के उन हिंदुओं को जिन्होंने कांग्रेस को जिताया, जिन्होंने कांग्रेस को मतदान किया। शर्म आनी चाहिए उन हिंदुओं को कि आपने उन जिहादियों का साथ दिया है जिसने भारत के टुकड़े तो किए तो किए, और आपातकाल इमरजेंसी में संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया वो नागवार ही नहीं, नापसंदीदा ही नहीं, बल्कि हमारे भारत की सभ्यता और भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर एक काला धब्बा लगा करके गया है, एक कालिक पोत करके गया है। साफ लफ्जों में मैं कहूंगी, इंदिरा गांधी जी के आपातकाल को कोई नहीं भूल सकता है, और इंदिरा गांधी जी ने इंडी अलायंस के कई नेताओं के बाप दादा को जेल भिजवाया था और वो बेशरम की तरह कांग्रेस की जय जयकार कर रहे हैं। तो ये लोग भी, वो ये हिंदू भी जो अपने आप को लिबरल होने का सबूत दे रहे हैं, आज लीजिए साफ लफ्जों में हुड़दंगबाजी की जा रही है कि अमेठी में रहना है तो या हसन या हुसैन बोलना पड़ेगा, ये हुड़दंगबाजी हो रही है। मैंने कल रात ही वो ट्वीट किया था, पर ट्वीट करके मैंने ये भी कहा था, मैंने इस बात को भी कहा कि जिस इमाम हसन और इमाम हुसैन की मौत पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसों रोते रहे, उनके आंख का पानी सूख नहीं पाता था, अपने नवासों की मौत पर गला रेतने पर उनकी बेटी बीबी फातिमा और दोनों नाती इमाम हसन और इमाम हुसैन की मां कलपते कलपते उनकी सांस निकल गई, आज उनका नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं मुसलमान युवा। जिन इमाम हसन और इमाम हुसैन की मौत पर मुसलमानों को आंख से आंसू निकालना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, मगफिरत के लिए दुआएं करनी चाहिए, सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, सूरह फतह पढ़ना चाहिए इस मुहर्रम के महीने में, और गरीबों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सादा पोशाक पहनना चाहिए, इमाम हसन हुसैन के लिए दो खतरा आंसू गिराना चाहिए, और वहीं पर मुसलमान सुन्नी जमात क्या कर रहा है, हुड़दंगबाजी कर रहा है, और देखने में लग रहा है कि भांगड़ा डाल रहा है, भांगड़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन के का नाम लेकर के। अब सवाल यहाँ पर फिर आ जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुंह में लेमन जूस है क्या, जो ऐसे युवाओं पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन की मौत पर आराम से हुड़दंग मचा रहे हैं, आराम से नारा लगा रहे हैं, आराम से राजनीति कर रहे हैं, आराम से हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं। और नाजिया जी, ताजुब की बात यह है कि इसके साथ ही ये लोग इस्लामोफोबिया की बात भी करते हैं कि भारत में माहौल ऐसा है कि लोग डरे हुए हैं, अब तो फिर से ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि भोजशाला वाला मामला जो है उसमें हाईकोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई होनी है, तब क्या होता है, और ये अब्दुल समद साहब जो है ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या सीधे सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं, तो दोनों जैसे ये जाएंगे कोर्ट में तब हम फिर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को थी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंजू पंकज जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने न सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि जो शांति दूत लैंड माफिया बन के बैठे हैं इनको भी एक्सपोज किया, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो मिस कर दिया था तो आप जाके उसे भी जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।